मैं लेकर आया हूँ दो पोर्टेबल स्पीकर, ये दोनों ही ना आपको 5 वाट के साथ आते हैं और अंडर 1000 में ना आपको दोनों ही मिल जाएंगे। तो पहला है बोट का 180 का ना अपग्रेडेड वर्जन, ऐसा कुछ इसका थिकनेस है, आगे की तरफ फैब्रिक फिनिशिंग भी मिल जाती है। 180 ना बहुत ज़्यादा फेमस था, तो उस वजह से ना उन्होंने 190 किया है अपग्रेडेड वर्जन। ये है रियलमी का कोबल, ऐसा कुछ इसका थिकनेस है, वेट ना इसका ज़्यादा है बोट से, ऊपर आपको मेटेलिक फिनिशिंग मिल जाती है, यहाँ पर है फैब्रिक फिनिशिंग और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगता है, मतलब हाथ में पकड़ने ही ना अलग ही फील आता है बोट से कंपैरिजन में। तो दोनों में आपको ना अच्छी खासी साउंड क्वालिटी मिल जाती है, लेकिन हम कंपैरिजन करके ना आपको बताएंगे कि किस में आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाती है और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट कौन सा है। तो अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स में ना फर्स्ट पॉइंट है ब्लूटूथ, ब्लूटूथ 5.0 की टेक्नोलॉजी ना आपको दोनों में ही मिल जाती है। सेकेंड पॉइंट है बैटरी बैकअप, वैसे ना इसमें आपको 800 mAh की बैटरी मिल जाती है, वैसे बॉक्स पे तो ना इतनी कम बैटरी दी है तो उन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन यूजर मैनुअल में ना उन्होंने लिखा है और उस हिसाब से आपको बैकअप मिल जाता है सिर्फ 4 आवर्स का। रियलमी में आपको ना 1500 mAh की बैटरी मिल जाती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर उन्होंने ना लिखा है, क्योंकि बॉक्स पे उन्होंने ना वो कुछ मेंशन नहीं किया है, उस हिसाब से बैकअप ये आपको देती है 9 आवर्स तक का ना आपको ये बैकअप दे देती है। और बहुत कुछ लिखा है डायनामिक बास बूस्टर, मतलब आप अगर बास वाले गाने बजाओगे ना तो मुझे नहीं लगता कि 9 आवर्स तक का आपको ये बैकअप दे देगी। नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्टिविटी, ऐसे बोट में ना आपको सिर्फ ऑक्स आउटपुट ही मिल जाता है और टाइप सी से ना आप इसको चार्ज कर सकते हो। उस हिसाब से ये है रियलमी का कोबल, इसमें देखते हैं इसमें आपको कुछ भी नहीं मिल जाता, सिर्फ टाइप सी से ना आप इसको चार्ज कर सकते हो। अब बात करते हैं एडवांस फीचर्स, मतलब बोट में आपको ना कौन से एडवांस फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। बॉक्स पे उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ लिखा है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है TWS, मतलब आपके पास अगर ऐसे बोस्टोन 190 है तो आप दोनों एक साथ कनेक्ट करके बजा सकते हो। उसके बाद है इनबिल्ट माइक, मतलब ना इसमें उन्होंने माइक दे दिया है तो आप ना मोबाइल कनेक्ट करके बातें भी कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पर कुछ लिखा है इंस्टेंट वॉइस असिस्टेंट, मतलब ना आप इसको वॉइस असिस्टेंट से भी ना कंट्रोल कर सकते हो। IPX7 की ना वाटरप्रूफ टेक्नोलॉजी आपको इसमें मिल जाती है। उसके बाद नीचे लिखा है लाइट वेट। एडवांस फीचर्स में ना रियलमी के बारे में अभी बात करते हैं, तो इसमें ना आपको TWS मिल जाता है, सिमिलर टू बोट की तरह ही आपको इसमें भी ना TWS मिल जाता है। 3-level इक्वलाइजर प्रेजेंस, मतलब मोस्टली हर स्पीकर्स में ना ड्यूअल इक्वलाइजर होता है, तो इसमें ना 3-level इक्वलाइजर है जो कि बेस ट्रेबल और वोकल्स ना अच्छे से मैनेज कर लेता है। ऊपर भी लिखा है एक्स्ट्रा बास रेडिएटर, 5 वाट का ना डायनामिक बूस्ट ड्राइवर भी इसमें दे दिया है और सिमिलर IPX5 की ना वाटरप्रूफ टेक्नोलॉजी आपको इसमें मिल जाती है। 151 ग्राम, 200 ग्राम। तो लास्ट पॉइंट है साउंड क्वालिटी, इसके बाद करेंगे हम साउंड टेस्ट। आप हेडफोन पहन लीजिएगा ताकि ना आपको भी पता चल जाएगा कि 3-level इक्वलाइजर क्या हो जाता है और बास बूस्ट ड्राइवर ना वाकई इसमें है क्या ना वो हम चेक करेंगे। वैसे इसका वेट भी कम है और इसमें बॉक्स में उन्होंने लिखा है इमर्सिव साउंड, ठीक है, ये बहुत ही लो बजट वाला स्पीकर है ना बोट का, तो देखते हैं इसमें इतनी क्वालिटी होती है क्या। और उसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और एक लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। और इस प्रोडक्ट की डिटेल आपको चाहिए होंगे ना तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी URL डाल दी। You got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. कैसा लगा आपको ये साउंड टेस्ट, तो कौन है क्लियर विनर? तो मेरी तरफ से क्लियर विनर है
रियलमी कोबा ये क्लियर विनर है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला स्पीकर है और बास और ट्रेबल ना अच्छे से मैनेज कर लेता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही है, बास ना वाकई एक लेवल का है, मतलब अलग ही लेवल का इसका बास है। जैसे मैं इसको नीचे रख देता हूँ ना, तो वाइब्रेशन लेवल भी ना एक नेक्स्ट लेवल की है। तो आप इसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि ना बोट उस क्वालिटी वाला है नहीं। ये बजट वाला पोर्टेबल स्पीकर है ना, बोट का बहुत ही लो बजट वाला स्पीकर है ना, तो इतने अच्छे इसके ड्राइवर नहीं है। क्योंकि इनके ना बहुत ही महंगे वाले भी स्पीकर आते हैं ना, तो उस वजह से ना 1000 रुपये में ना ये आपको इतना मज़ा नहीं देगा। तो मेरे हिसाब से ना आप रियलमी 3P जाइएगा, इनका है पहला स्पीकर है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला उन्होंने स्पीकर दे दिया है। और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लग रहा है ना, मतलब हाथ में पकड़ते हैं ना आपको लगेगा थोड़ा सा वेट फील होता है ना, तो लगता है कि बहुत ही अच्छा स्पीकर है, जैसे ब्रांडेड स्पीकर होते हैं ना उस तरह। बोट में ना वजन थोड़ा कम है तो अच्छा लगेगा नहीं। प्लास्टिक क्वालिटी भी थोड़ी सी हल्की यूज़ की है। 800 से ना 1000 तक आपको ये मिल जाएगा, आप इसको ज़रूर बाय कर दीजिएगा। और बोट ना मुझे नहीं लगता इतना अच्छा है कोई भी कंसिडर करेगा। आप अगर बोट के फ़ैन हो ना तो ये आप इसको कंसिडर कीजिएगा, मुझे इतनी क्वालिटी अच्छी लगी नहीं। और उसी के साथ ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और एक लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए।